है किसकी कौन बेचता है बिग बाजार उन्होंने सोचा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस लाया जाए ठीक है और टीम ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग अकाउंटेंट ने यह इंफॉर्मेशन दी ठीक है बजटेड वीकली ओवरहेड वीक की इंफॉर्मेशन है वेयरहाउस कॉस्ट रुपीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर वीक ठीक है ये क्या हो गया किसका डायमेंशन टाइम का सुपरमार्केट कॉस्ट हर एक सुपरमार्केट का फोर्टी थाउजेंड पर वीक ठीक है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फोर हंड्रेड पर डिलीवरी ठीक है इसमें वीक का क्यों नहीं लिया क्योंकि एक ही बॉक्स एक ट्रांसपोर्ट सपोज एक ट्रक से जा रहा है तो उसी में एक वीक तक नहीं रहेगा ठीक है सौ रुपीज फोर पर डिलीवरी नाउ द वेयरहाउस इज एक्सपेक्टेड टू हैंडल 10,000 क्यूबिक मीटर ऑफ गुड्स यानी क्या कि एक वेयरहाउस है यहाँ पे 10,000 क्यूबिक मीटर का स्पेस है और उसका ओवरहेड्स कितना आएगा 75,000 पर वीक ठीक है ईच सुपर मार्केट विल हैंडल फाइव हंड्रेड क्यूबिक मीटर ऑफ गुड्स ईच वीक ठीक है फाइव हंड्रेड क्यूबिक मीटर हर एक सुपर मार्केट में रह सकता है और उसका कॉस्ट आएगा फोर्टी थाउजेंड ठीक है फिर उसके बाद ईच ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल होल्ड फोर्टी क्यूबिक मीटर ऑफ गुड्स एक वहीकल है उसमें फोर्टी क्यूबिक मीटर गुड्स आ सकता है और उसका कॉस्ट क्या होगा रुपीज फोर हंड्रेड पर डिलीवरी ठीक है थ्री प्रोडक्ट सोल्ड बाय बिग बाजार आर किचन रोल टिन स्पैकेटी एंड टूथपेस्ट तीन क्या प्रोडक्ट है किचन रोल टिन स्पैके एंड टूथपेस्ट थ्री थाउज थर्टी थाउजेंड प्रोडक्ट लाइंस है उसमें से तीन ये है के आर टी एस एंड टी नाउ ये क्या किचन रोल टिन स्पैगेटी एंड टूथपेस्ट रिटेल प्राइस पर आइटम दिया हुआ है ठीक है उसके बाद क्या दिया है बॉटिन प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस नंबर ऑफ आइटम्स पर केस दिए हुए नंबर ऑफ केसेस पर क्यूबिक मीटर यानी क्या एक क्यूबिक मीटर में 20 केस आते हैं और हर केस में 10 आइटम है यानी हर क्यूबिक मीटर में कितने आइटम होंगे उसके लिए क्या होगा कि एक क्यूबिक मीटर में 20 आइटम आते हैं और हर एक केस में 10 आइटम तो एक क्यूबिक मीटर में 200 आइटम होंगे वैसे ही इसका इंटू करना होगा ट्वेंटी फाइव इंटू थर्टी और फोर्टी इंटू ट्वेंटी टाइम इन वेयर हाउस के आर कितना टाइम स्पेंड करता है वेयर हाउस में वन वीक, वीक. वीक टी एस टू वीक एंड टी थ्री वीक टाइम इन सुपर मार्केट के आर टू वीक टी एस फोर वीक्स एंड टी टू वीक्स कैलकुलेट द फॉलोइंग फिगर्स इन रुपीज टू फोर डेसिमल प्लेसेस द नेट प्रॉफिट पर किचन रोल पर टीन ऑफ स्पेगेटी एंड पर ट्यूब ऑफ टूथ हमको नेट प्रॉफिट निकालना है फोर डेसिमल प्लेसेस तक डी पी पी के थ्रू ठीक है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ठीक है के आर एस एंड टी ठीक है सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट सेवन फाइव ठीक है वन पॉइंट सिक्स एंड वन पॉइंट सेवन फाइव माइनस परचेज कॉस्ट आप पूरा लिखेंगे ठीक है पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री वन पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री वन सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा पॉइंट फोर पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन फाइव माइनस क्या होगा अभी दा, पूरे डायरेक्ट कॉस्ट माइनस होंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आएगा वेयर हाउस का आएगा सुपरमार्केट और ट्रांसपोर्टेशन तो पहले वेयर हाउस कॉस्ट ठीक है ये हम क्या निकाल रहे हैं अभी वेयर हाउस कॉस्ट निकाली वर्किंग नोट नंबर वन वर्किंग नोट वन वेयर हाउस कॉस्ट ठीक है सो so, क्या था वेयर हाउस कॉस्ट में कितना था सेवेंटी फाइव थाउजेंड राइट 75,000 फाइव थाउजेंड पर वीक है और टेन थाउजेंड क्यूबिक मीटर ऑफ गुड्स आ सकता है सो सेवेंटी फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड क्यूबिक मीटर विच इज़ इक्वल टू सेवन पॉइंट फाइव रुपीज पर क्यूबिक मीटर पर वीक बिकॉज दिस इज ऑफ वन वीक ठीक है अब हम इसको ये एक वीक का है अब हमको देखना है कि ये जो के आर है प्रोडक्ट सपोज ना पहला देखेंगे तो वो के आर कितने समय रहता है वेयर हाउस में उससे इंटू कर देंगे के आर कितने समय रहता है वन वीक तो सेवन पॉइंट फाइव इंटू वन ठीक है टी एस कितने वीक रहता है टू वीक सो सेवन पॉइंट फाइव इंटू टू और टी रहता है थ्री वीक विच इज सेवन पॉइंट फाइव इंटू थ्री राइट सो सेवन पॉइंट फाइव इंटू वन सेवन पॉइंट फाइव इंटू टू सेवन पॉइंट फाइव इंटू थ्री ठीक है ऐसा कर देंगे फिर अब हम क्या देखेंगे माइनस सुपरमार्केट कॉस्ट वर्किंग नोट नंबर टू अभी इसमें क्या सुपरमार्केट कॉस्ट में फोर्टी थाउजेंड पर सुपरमार्केट और हर सुपरमार्केट मार्केट फाइव हंड्रेड क्यूबिक मीटर गुड्स रख सकता है ईच वीक सो फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड ठीक है ये वर्किंग नोट नंबर टू सुपरमार्केट कॉस्ट फोर्टी थाउजेंड डिवाइडेड बाय फाइव हंड्रेड विच इज इक्वल टू रुपीज एट पर क्यूबिक मीटर पर वीक ठीक है अभी पर वीक का है अब जितने समय वो प्रोडक्ट उस सुपरमार्केट में रहता है उससे इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ठीक है इंटू टू इंटू फोर इंटू टू एट इंटू टू एट इंटू फोर एट इंटू टू क्या हो गया ये सिक्सटीन थर्टी टू एंड सिक्सटीन ठीक है फिर क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी फोर हंड्रेड पर डिलीवरी और फोर्टी क्यूबिक मीटर गुड्स एक उसमें आ सकता है सो फोर हंड्रेड डिवाइड बाय फोर हंड्रेड पर डिलीवरी और फोर्टी क्यूबिक आ सकता है तो टेन ये पर वीक इसलिए नहीं लिए क्योंकि वहाँ वीक्स में नहीं रहते गुड्स इसीलिए टेन ही आएगा पर क्यूबिक मीटर ठीक है रुपीज टेन ये पर वीक था तो एक वीक का इतना जितने वीक वहां पे रहा वो प्रोडक्ट उससे इंटू करते हैं तो क्या आ जाएगा रुपीज़ पर मीटर क्यूब ठीक है रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर आया गया ये भी अगर वीक से इंटू कर दिया तो क्योंकि ये पर वीक था जितने वीक वहां प्रोडक्ट रहा उससे इंटू करेंगे इसका भी सेम पर यह रुपीज़ पर मीटर क्यूब ही था क्यूब क्योंकि वहां वीक के हिसाब से नहीं होता है वीक्स नहीं रहते वहां गुड्स ठीक है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टेन 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 ठीक है ये आ गई अब के आर टी एस टी ठीक है अब हम क्या निकालेंगे क्वांटिटी पर क्यूबिक मीटर ये हमने क्या निकाल दिया पूरे तीनों के कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ठीक है क्या निकाले कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर ठीक है ए ये कितना सेवन पॉइंट फाइव प्लस सिक्सटीन प्लस टेन थर्टी थ्री पॉइंट फाइव फिफ्टीन प्लस थर्टी टू प्लस टेन फिफ्टी सेवन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव प्लस सिक्सटीन प्लस टेन कितना होगा फोर्टी एट पॉइंट फाइव ये होगी डायरेक्ट कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर अब हमको देखना है कि हर क्यूबिक मीटर में क्वान्टिटी क्वान्टिटी पर क्यूबिक मीटर हर एक क्यूबिक मीटर में 20 केसेस हैं ये एक क्यूबिक मीटर है इसमें 20 केसेस हैं और हर एक केस में 10 आइटम है तो ऐसे टोटल कितने आइटम है पर क्यूबिक मीटर में 10 इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इंटू थर्टी फोर्टी इंटू ट्वेंटी ठीक है ऐसे निकलेगा सो so, क्वांटिटी पर क्यूबिक मीटर 20 इंटू टेन थर्टी फाइव थर्टी इंटू ट्वेंटी फाइव ठीक है फोर्टी इंटू ट्वेंटी दिस इज टू हंड्रेड दिस इज सेवन फिफ्टी एंड दिस इज एट हंड्रेड यह क्या गया क्वान्टिटी पर मीटर क्यूब अब हमको क्या निकालना है कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट निकालना है तो आएगा ए डिवाइडेड बाई बी क्यू ए क्या है कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर और ये क्या है बी क्वांटिटी पर क्यूबिक मीटर ये कैंसिल हो गई कॉस्ट पर क्वांटिटी मतलब कॉस्ट पर यूनिट ठीक है ए डिवाइडेड बाय बी थर्टी थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय टू हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू हंड्रेड इज इक्वल टू पॉइंट वन सिक्स सेवन फाइव सेकेंड क्या है फिफ्टी सेवन डिवाइडेड बाय सेवन फिफ्टी विच इज इक्वल टू पॉइंट जीरो सेवन सिक्स थर्ड क्या है फोर्टी एट पॉइंट फाइव डिवाइड बाई एट हंड्रेड फोर्टी एट पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई एट हंड्रेड विच इज इक्वल टूं जीरो सॉरी इसमें क्या फिफ्टी सेवन डिवाइडेड बाई सेवन फिफ्टी का पॉइंट जीरो जीरो सेवन सिक्स जीरो डेसीमिल के बाद अगर अगर डेसिमल के पहले 76 पे जीरो लगाते तो बहुत फर्क पड़ता है डेसिमल के बाद कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कॉस्ट पर यूनिट ये आ गई अभी क्या दिखेंगे प्रॉफिट सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी पर यूनिट प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट में से ये जो कॉस्ट पर यूनिट है ये माइनस करेंगे ठीक है सो फर्स्ट केआर का पॉइंट फोर माइनस 0.1675 0.1675 which is equal to 2325 चार डेसिमल प्लेस तक क्यों ले रहे हैं <coughs> क्योंकि रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में ठीक है अभी टीएस का देखेंगे कितना है टीएस का 0.3 ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट सो 0.3 माइनस ये डायरेक्ट प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट है पर यूनिट माइनस 0.07 सिक्स जीरो इज इक्वल टू पॉइंट टू टू फोर नाउ नंबर थर्ड ठीक है नंबर थर्ड क्या है टूथपेस्ट टूथपेस्ट का क्या है पॉइंट सेवन फाइव सो पॉइंट सेवन फाइव माइनस ठीक है पॉइंट जीरो सिक्स जीरो सिक्स विच इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स एट नाइन फोर ठीक है प्रॉफिट पर यूनिट रिक्वायर्ड क्या था रिक्वायर्ड था नेट प्रॉफिट पर किचन रोल पर टीन ऑफ स्पेगेटी एंड पर ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट सो ये निकल गया प्रॉफिट पर यूनिट ठीक है नेट प्रॉफिट पर किचन रोल यहीं तक के किचन रोल इज रुपीज पॉइंट टू थ्री टू फाइव पर टीन ऑफ स्पेगेटी इज पॉइंट टू टू फोर एंड पर ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट इज रुपीज पॉइंट सिक्स एट नाइन फोर ठीक है ये रफ वर्क है सो पर ट्यू पर किचन रोल पॉइंट टू थ्री टू फाइव पर तीन पॉइंट टू टू फोर एंड पर ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट इज 0.6894 पॉइंट सिक्स एट नाइन फोर ये प्रॉफिट आया ठीक है और पहले ग्रॉस प्रॉफिट इतना था और उसमें चेंज आया जब हमने डायरेक्ट कॉस्ट माइनस की ठीक है पहले हमने क्या किया कि पर क्यूबिक मीटर निकाल ली डायरेक्ट कॉस्ट ठीक है फिर ये देखा हर क्यूबिक मीटर में कितनी क्वांटिटी है ठीक है डिवाइड किया तो पर यूनिट की क्या निकल गई कॉस्ट निकल गई फिर उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया पर यूनिट की कॉस्ट तो क्या निकल गया प्रॉफिट पर यूनिट ठीक है तीनों की प्रॉफिट पर यूनिट निकल गई रुपीज में दिस वॉज अवर सोल्यूशन दिस वॉज रिक्वायर्ड राइट सो अभी इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फिट बाय